हेलो फ्रेंड, मैं प्रकाश बरनवाल आपका स्वागत करता हूं आपके ऑनलाइन शिक्षण यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज या भी इससे पहले आपने देखा होगा कि आपको सिलेबस में क्या पढ़ना है। सामाजिक अध्ययन के हम मैथ पढ़ा रहे हैं, आप लोग आश्चर्यचकित हो गए होंगे ना कि सर सामाजिक अध्ययन पढ़ा पाएंगे। बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल पढ़ा पाएंगे, क्योंकि स्ट्रीम जो है मेरा ना यही सब है। तो जब स्ट्रीम यही सब है, इसमें घनघोर नॉलेज हम रखते हैं, आपको बताएंगे, ऐसी ऐसी बातें बताएंगे, बिल्कुल कहानी के माध्यम से सीखेंगे, आप पूरा ए टू जेड करके आओगे। बता तो रहे हैं, पेपर छोड़ कर भी नहीं आने चाहते हैं आप, मतलब नहीं आएंगे छोड़ कर, हम बता रहे हैं ना, इस तरह बताएंगे आपको कहानी के माध्यम से, बिल्कुल मजा ले लेके दोस्तों पढ़ेंगे आप, ठीक है। थोड़ा सा भी उबन नहीं होने देंगे आपको, कि थोड़ा सा भी आपको लगे कि हम कुछ और कुछ पढ़ रहे हैं। कब 1 घंटे, 20 मिनट, 40 मिनट, जितना का भी क्लास हो, कब खत्म हो जाएंगे आपको पता तक भी नहीं चलेगा, ठीक है दोस्तों। तो आज हम लोग जानेंगे आपका पहला चैप्टर है, पहला इकाई सामाजिक अध्ययन में। दोस्तों आपको पता है पहला इकाई जो है आपका क्या है, मुगल के बारे में हमें जानना है। आखिर मुगल कौन थे, मुगल कौन थे, मुगल कौन थे, और आज हम देखेंगे मुगलों का इतिहास, मुगल कहाँ से आए, इनके पिता का नाम, मतलब कि ये कहाँ से आए। दोस्तों इसमें सबसे पहले बाबर आते हैं, तो बाबर के पिता का नाम, माता का नाम, आखिर ये किस जात के पहले होते हैं, इनका कास्ट क्या होता है, आखिर ये भारत पे आक्रमण क्यों किया, भारत पे आक्रमण करने का मकसद इसका क्या रहता है, आखिर किसी ने बुलाया क्या इसे बाबर को कि आओ आप भारत पर आक्रमण करो। जब ये आक्रमण करता है तो उस समय भारत पर किस वंश का शासन होता है, दोस्तों इसके बारे में पूरी अच्छे तरीके से नॉलेज लेंगे, आप लास्ट तक बने रहिए, बहुत ही आनंद आने वाला है। इससे पहले हम आपको यह बता देते हैं कि मुगल जो है दोस्तों वह दो रूप में हमको देखने को मिलते हैं। एक तो हमारा उत्तर मुगल काल देखने को मिलता है, उत्तर मुगल काल वही होता है जो बिल्कुल कि कामकाज के नहीं होते हैं। उत्तर मुगल काल जो पहले के 7 या 6 हो गए ना, बाबर, अकबर, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, यह जो 6 दोस्तों हैं, 6 के 6 राजा मुगल वंश के, काफी ज्यादा ताकतवर होते हैं दोस्तों। और इनके समय की तबाही और जितने भी जीत हो गए, जितने भी युद्ध हो गए, ये सब हमको याद करना पड़ता है, यही सब पेपर में आता है। जो उत्तर मुगल काल हो गया दोस्तों उसको भी हम आपको बता देंगे सीरीज से, आप अच्छे से देखते हुए चलेंगे और पढ़ते हुए चलेंगे, आनंद लेते हुए चलेंगे दोस्तों। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, पहले इन सभी शासकों का कार्यकाल देख लेते हैं, समय देख लेते हैं, कब से कब तक थे, अगर आपके एग्जाम में आया तो यहाँ से 1 नंबर आप स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं मुगलों का कार्यकाल, जितने भी मुगल थे, जितने भी राजा हुए मुगलों में, उनका कार्यकाल देख लेते हैं। ये आपका मिडेवल हिस्ट्री में आ जाता है ना दोस्तों। तो चलिए हम लोग देखते हैं, पहला बाबर आता है, आपको पता है बाबर का हमको पूछ लेता है टाइम पीरियड, या कब से कब तक शासन किया भारत में, तो आपको बताएंगे, हम पूरा इतिहास बताएंगे। आप अभी मत पूछिएगा सर 1526 से क्यों हुआ, तो हम सब कुछ बताएंगे, बस आप कार्यकाल लिख लीजिए इसका, 1526 से 1530 तक रहता है दोस्तों यह, ठीक है ना। फिर इसके बाद इसकी जब मृत्यु हो जाती है, इसका बेटा आता है, बड़ा वाला बेटा, इसके 4 बेटे होते हैं, तो बड़ा वाला बेटा हुमायूं आता है। हुमायूं का शासन दोस्तों 1530 से ही स्टार्ट होता है, जब इसकी मृत्यु हो जाती है, तो 1530 से 1556 तक। अब इसके बीच में आपको बताएंगे दोस्तों, ये हुमायूं बहादुर शाह से कैसे लड़ा, कैसे भागा, आपको पता है 1530 से 1540 तक यह रहता है। उसके बाद 1540 के बाद बहादुर शाह से लड़ाई करने के बाद, आपको पता होगा जो आपका DCK मतलब कि कन्नौज की लड़ाई, जिसे हम बिलग्राम का युद्ध बोलते हैं, उसमें इसकी बुरी तरीके से हार होती है और इसे खदेड़ दिया जाता है बहादुर शाह द्वारा, कि भैया तुम उस पार चले जाओ, मतलब कि नदी उद्दी में बह रहा था, वहाँ से इसको जो मल्लाह होते हैं उठाते हैं, और इसको यह जो है 10 साल बाद आता है, आपको पता होना चाहिए 1545 में शेर शाह की मृत्यु हो जाती है, कलंजर की किला जीतने के समय उसके हाथ में बम फट जाता है, मतलब कि बम के कारखाना में कुछ काम वगैरह चल रहा होता है उस समय, वहाँ पे वो प्रेजेंट होता है, और फट जाने की वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। जब इसे सूचना मिलता है कि बहादुर शाह का डेथ हो गया दोस्तों, तो 1545 में इसका जब डेथ हुआ, तो ये आता है 1550 में दोस्तों, अपना सेना, अपना फौज तैयार करके, लास्ट में जब 1550 में आता है, 1 साल बाद, मतलब कि 1 साल पहले, 1556 के 1 साल पहले 1554-55 में आता है, और अपनी गद्दी को संभालता है, सबको हरा हरा के भाग जाता है बाद में 1556 में, इसके ही लाइब्रेरी से गिर के लड़खड़ाते हुए इसकी जान चली जाती है दोस्तों। चलिए इसके बाद आ जाते हैं आपके अकबर महान, जिसको हम अकबर महान बोलते हैं दोस्तों, रियल में महान है कि नहीं है दोस्तों, आपको जब पढ़ाएंगे इनके बारे में तो इनका खुलासा करेंगे। अकबर की कार्यकाल जो होता है दोस्तों 1556 से लेकर 1605 तक रहता है, आपको पता होगा इस समय यूरोपियों का बिल्कुल हल्का मच गया था, आना स्टार्ट हो गए थे, है ना दोस्तों, पहली कोठी वगैरह सब कुछ बन चुका था। अकबर के बाद दोस्तों आ जाते हैं शाहजहां, जहांगीर दोस्तों
जहांगीर। देखिए थोड़ा सा ना आप लोग कोऑपरेट करिएगा, कुछ गलती होती है तो माफ़ करिएगा, आपसे हाथ हाथ जोड़ के विनती करते हैं दोस्तों। लेकिन कुछ गलती होता है ना तो आप यह मत बोलिएगा सर आपने गलत कर दिया, बोलिएगा सर इसको करेक्ट कर दीजिए या आपसे गलती हो गई भैया माफ़ कर दीजिए, हम भी इंसान ही हैं। ठीक है, अब देखिए जहांगीर का कार्यकाल अगर देखा जाए दोस्तों तो बोलेंगे 1605 से लेकर 1605 से लेकर दोस्तों 1627 तक रहता है। 1627 सबका याद करने का हम तरीका बता देंगे। जहांगीर के बाद शाहजहां आ जाते हैं दोस्तों। शाहजहां, देखिए जो जहांगीर होते हैं दोस्तों इस समय जो कला होता है, जो कला होता है मतलब जो संगीत होती है, संगीत कला नहीं, संगीत, संगीत अपने चरमों सीमा पे था, मतलब कि एक ऊंचाई पर था दोस्तों, पिक पे था। पूछा जाता है किसके टाइम पीरियड को मुगल में हम बोलते हैं कि गीत का मतलब संगीतों का संगीत उसके मतलब किस मुगल के टाइम पीरियड पर संगीत जो है अपने चरमों सीमा पे था, अपने पिक पॉइंट पे था, तो बता देंगे आप जहांगीर के समय दोस्तों। और शाहजहां के समय तो स्थापत्य कला, मूर्ति बनाना, घर मतलब कि महल बनवाना, इस समय जैसे ताजमहल वगैरह बनाना इसी समय यही सब बनवाया। ज़्यादातर आप देखेंगे मॉन्यूमेंट्स जो हैं आपके शाहजहां के समय ही बने हैं दोस्तों, जैसे जयपुर का किला हो गया, मतलब बहुत सारी चीज़ें इन्हीं के समय बनाया गया है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो शाहजहां अपना मकबरा, अपने ताजमहल जो इनकी बीवी होती हैं मुमताज, उन्हीं के बगल में बनवाते हैं दोस्तों। ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे इनके समय, तो जान लीजिए शाहजहां के समय को हम बोलते हैं स्थापत्य कला का समय, याद रखेंगे दोस्तों। ये इनका समय काल जो होता है दोस्तों 1627 से लेकर 1656 तक, 57 तक मान लीजिए, 57 तक रहता है, याद रखेंगे इसे। इसके बाद आ जाते हैं औरंगजेब, तो औरंगजेब का समय जो होता है दोस्तों, औरंगजेब का जो समय होता है, समय टाइम पीरियड कब से कब तक होता है, तो बता देंगे 1658 से लेकर 1658 से लेकर 1707 तक होता है दोस्तों, इसको याद रखेंगे। अभी बीच बीच में हम थोड़ा सा चेक करेंगे कैमरे को, अगर देख लेंगे जूमिंग वूमिंग तो नहीं कर रहा है, आपको प्रॉब्लम तो नहीं हो रही भाई, आपका जो खातिरदारी है हम अच्छे से करेंगे, आप घबराइए नहीं, इसको नोट करिए। फिर उसके बाद हम चलते हैं उत्तर मुगल काल के बारे में आपको बताते हैं। जैसे ही इसका देहांत होता है दोस्तों, अब इसमें जो है वंशज बचते ही नहीं है, अब इसके मौसी के, दादी के, नानी के, मतलब कि इसका दूसरा वंश स्टार्ट हो जाता है, अब इसके मौसी के सब लड़के आने लगते हैं, उसी को बोलते हैं उत्तर मुगल काल स्टार्ट हो गया। चलिए औरंगजेब के बाद हम आ गए उत्तर मुगल काल के समय दोस्तों। यस टाइम पीरियड उत्तर मुगल काल पूछा जाता है कब से कब तक था, तो आपको पता होना चाहिए जब औरंगजेब मरता है तो 1707 उस समय था, 1707 के समय मरता है। इसके बाद लास्ट में आपको पता होगा जो आपके बहादुर शाह जफर था, जिसको क्लाइव या फिर कह लीजिए उस समय के 1857 की जब क्रांति हुई थी उस समय कौन था, कैनिंग था वायसराय, पहला वायसराय और लास्ट भारत का गवर्नर जनरल कैनिंग था, तो उसके समय उसको देश निकाला कर दिया जाता है, रंगून भेज दिया जाता है, मेरे पिया गए रंगून, ये गाना सुने होंगे आप, तो उसको रंगून जब भेज दिया जाता है दोस्तों, उसी जगह उसका क्या बोलते हैं उसका मतलब कि इसके टॉम्ब, इसका टॉम्ब भी उसी जगह बनाया गया है ना, मतलब कि ये जब मर जाते हैं सब तो टॉम्ब बनता है ना, तो टॉम्ब उसी जगह बना है आपका बाहर, देश के बाहर। तो बताएंगे आपके ऐसे कितने आपके मुगल हैं जिनका टॉम्ब जो है, जिनका मकबरा जो है दोस्तों देश के बाहर बना हुआ है, भारत देश के बाहर, तो उसमें से एक आपके आ जाते हैं बहादुर शाह जफर, जो 1857 की क्रांति भगत सिंह के समय हुई थी उस समय थे सबसे लास्ट मुगल शासक। पूछा जाता है तो बताएंगे बहादुर शाह जफर या फिर बहादुर शाह सेकंड। ठीक है दोस्तों, चलिए 1707 से लेकर 1857 की क्रांति तक यह उत्तर मुगल काल का समय रहता है दोस्तों, इसको आप अच्छे से ध्यान से देख लेंगे क्योंकि पूछा जा सकता है आपसे। ठीक, अब हम देख लेते हैं एक एक को। अब देखिए पहला जो होता है दोस्तों बहादुर शाह, बहादुर शाह आप सोच रहे होंगे सर लास्ट में आप अभी बताए, तो यह बहादुर शाह फर्स्ट होता है दोस्तों, इसका नाम होता है जो, यह बहादुर शाह फर्स्ट के नाम से होता है। यह 1707 से लेकर 1712 तक यह शासन करता है दोस्तों, इसी को बोलते हैं शाह बेखबर के नाम से इसी को जानते हैं, है ना। चलिए बहादुर शाह के बाद दूसरा आ जाता है दोस्तों, उसका नाम रहता है जहांदार शाह, आप इसे नोट करते रहिए जहांदार शाह। इसका जो टाइम पीरियड होता है दोस्तों, ये 1752 जब 12 में इसकी मृत्यु हो जाती है बहादुर शाह का, तो जहांदार शाह का शासनकाल 1712 से लेकर एक साल के लिए होता है, 1712 से लेकर 1713 तक दोस्तों, इसको आप पढ़ते रहिए, लिख लीजिए कॉपी पे अपने। इसके बाद जहांदार शाह के बाद दोस्तों आ जाता है, देखिए जहांदार शाह को क्या बोलते हैं, जैसे इसको बोलते हैं साहिब खबर, अब इसको बोलते हैं लंपट मूर्ख, क्योंकि यह थोड़ा अटपटा दिमाग का था ना, इसका दिमाग कभी काम नहीं करता था, तो लंपट मूर्ख के नाम से इसको जानते थे ने? इसकी पूरी कहानी तो आपको नहीं पढ़नी है, नहीं तो पढ़नी होती तो आपको बताते, ये इसका कारनामा जो था ना अजीबो गरीब था, इसी वजह से इसका नाम लंपट मूर्ख पड़ गया दोस्तों। ठीक है ना, जहांदार शाह के बाद आ जाते हैं फर्रुख सियर। देखिए भैया लिखने में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है मांत्रा वगैरह में तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, फर्रुख सियर, इसको ध्यान से आप लोग लिख लेंगे तो फिर
कहिएगा तो लिखना ही बंद कर देंगे, हम कहानी की तरह सुना देंगे आपको। फर्रुखसियर 1712 से 13 तक यह थे, तो 1713 से इनका शासनकाल स्टार्ट हो गया होगा। 1713 से 1719 तक थे दोस्तों यह, ठीक है, याद रखेंगे। इसके बाद दो राजा और आते हैं जो कि क्षण समय के लिए आते हैं, कह लीजिए थोड़े समय के लिए होते हैं। उनका नाम होता है रफी उद्दरजात, रफी उद्दौला दोस्तों, ठीक है। इनका बाद में मृत्यु हो जाता है, दो मुस्लिम भाई होते हैं, इनकी मृत्यु करा देते हैं दोस्तों, मतलब कि मरवा देते हैं इनको, बाद में उनको पूछा नहीं जाता है। अब इसके बाद जो चौथा आप लिखेंगे दोस्तों, इनका नाम था मुहम्मद शाह। क्या नाम था? मुहम्मद शाह, ये देखिए बहादुर शाह हैं। अब मुहम्मद शाह लिख लेंगे। इनका शासन कब से कब तक था, इनका टाइम पीरियड कब से कब तक था दोस्तों, बता देंगे 1719 से, ये हमारा तो 1719 में ही आ गया, 1719 से लेकर 1748 तक दोस्तों, 1748 तक। इसको क्या बोलते थे दोस्तों, ये अपना नाचने गाने में बहुत मगन होता था, इस वजह से इसका नाम पड़ गया, रंगीला बादशाह। क्या नाम पड़ गया? रंगीला बादशाह, याद रखेंगे। रंगीला बादशाह के नाम से किसे जाना जाता है? तो मुहम्मद शाह को जाना जाता है, मुहम्मद शाह, याद रखेंगे दोस्तों। इसके बाद दोस्तों इसी के समय आपको पता होगा एक नादिर शाह का आक्रमण हुआ था भारत पे। नादिर शाह दोस्तों ईरान का नेपोलियन था दोस्तों, वो जब आक्रमण करता है, इसी के समय आक्रमण करता है, मुहम्मद शाह के समय भारत पर आक्रमण करता है नादिर शाह। और नादिर शाह जो दोस्तों यहाँ से तख्ते हाउस ले जाता है, कोहिनूर का हीरा ले जाता है और बहुत ढेर सारे रुपये वगैरह ले जाता है। जो तख्ते हाउस होता है दोस्तों उसे पूछ लेता है, तख्ते हाउस पर या फिर मुगल की गद्दी पर, मुगल के जो सिंहासन था उस पर सबसे लास्ट मुगल शासक कौन बैठा? तो बताएंगे आप, मुहम्मद शाह ही बैठा। इसके बाद तो गायब ही हो गया वो, फिर कौन बैठेगा? जब गायब हो गया तो कौन बैठेगा? क्योंकि इसी के समय मुहम्मद शाह के समय दोस्तों तख्ते हाउस चला जाता है, जो जहांगीर के समय बनाया गया था, है ना, पूछ लिया जाता है कौन बनवाया था, तो जहांगीर बता देंगे, तख्ते हाउस को जहांगीर ने बनवाया था दोस्तों। तो बता देंगे मुहम्मद शाह वो लास्ट शासक था जो तख्ते हाउस पर बैठा, तख्ते हाउस पर। उसके बाद उस सिंहासन को नादिर शाह, जो कि अफगान का नेपोलियन रहता है, वह लूट कर लेकर उसे चला जाता है। उसी समय कोहिनूर का हीरा भी चला जाता है भारत से, और बहुत ढेर सारे रुपए पैसे यह कलेक्ट करके ले जाता है नादिर शाह इनके समय, आप इसको याद रखेंगे। इसके बाद दोस्तों मुहम्मद शाह के बाद आपका जो आ जाते हैं अहमद शाह, याद रखेंगे अहमद शाह दोस्तों, क्रम से याद कर लीजिए आपको याद हो जाएगा अहमद शाह। आप कहानी की तरह सुनते रहिए, दो तीन बार सुन लीजिए इसको, बता रहे 100% याद हो जाएगा। देखिए 1748 से इनका टाइम पीरियड 1748 से लेकर 1754 तक था दोस्तों, 1754 तक, आप इसे याद कर लेंगे। फिर इसके बाद अहमद शाह के बाद दोस्तों आ जाते हैं आपके आलमगीर शाह सेकंड। अब इसके बाद सेकंड सब में लगना स्टार्ट हो जाएगा, हम यहाँ से लिख देते हैं, हम इसे आलमगीर सेकंड होते हैं दोस्तों। इनका टाइम पीरियड जो होता है दोस्तों 1754 से लेकर, देखिए 1754 से लेकर 1758 तक होता है, 1754 से लेकर 1758 तक होता है दोस्तों, याद रखेंगे। इसके बाद आलमगीर सेकंड के बाद दोस्तों आ जाते हैं आपके शाह आलम सेकंड, आप याद रखेंगे शाह आलम सेकंड आ जाते हैं, थोड़ा सा याद था और इधर उधर हो रहा है, हम सोच रहे हैं गलती ना हो, बस शाह आलम सेकंड, इस वजह से सोचकर थोड़ा लिखना पड़ रहा है, कोई बात नहीं, आप लोग मैनेज करिएगा। शाह आलम सेकंड आ जाते हैं दोस्तों, इनका टाइम पीरियड जो होता है दोस्तों 1808 तक होता है, मतलब कि 1758 से लेकर दोस्तों 1808 तक होता है, याद रखेंगे 1758 से लेकर 1808 तक होता है, 1808 तक होता है। इन्हीं के बाद आ जाते हैं दोस्तों शाह आलम सेकंड के बाद आ जाते हैं आपके अकबर सेकंड। आपको पता होगा इन्हीं के समय आपके जो राजा राम मोहन राय जी थे, इन्हीं के समय गए थे इंग्लैंड और वहाँ पे उनकी मृत्यु हो जाती है। आपसे पूछ लिया जाता है कि जो आपके राजा राम मोहन राय थे वह कब गए थे इंग्लैंड और किसके समय गए थे, तो बता देना चाहिए आपको कि वहाँ पे अकबर सेकंड ने उनको भेजा था इंग्लैंड, चाहिए ब्रिटेन में, और उस समय वह कुछ किसी काम के लिए गए थे, वहीं पर उनकी तबीयत वगैरह ख़राब हो जाती है और उनका देहांत हो जाता है दोस्तों। अकबर सेकंड का टाइम पीरियड बता देंगे दोस्तों 1808 से लेकर दोस्तों या 1837 तक रहता है, 1837 तक। इसके बाद लास्ट शासक आ जाता है आपका जफर, जिसका नाम रहता है बहादुर शाह सेकंड। देखिए एक पहले आया है, यह बहादुर शाह सेकंड है, बहादुर शाह द्वितीय के नाम से जाना जाता है। यह 1837 से लेकर 1857 तक रहता है, क्रांति के समय। यह बहुत बार भगत सिंह का और बहुत हमारे सेनानियों का सेवा करते हैं, मतलब कि सत्कार करते हैं एक तरह से, कह लीजिए इनको राजा बनाने के लिए लोग दिल्ली पे अधिकार वगैरह कर लेते हैं। इसके बाद जब अंग्रेजों को पता चलता है यह बूढ़ा जाग गया है, तो अब इसको क्या करो भैया, कूटो, कूट के इसे उठा के सब फेंक दिए रंगून, मेरे पिया गए रंगून, गाना गाते गाते निकल लिए। इसके बाद इनका उसी जगह टॉम वगैरह बन गया, मकबरा वगैरह बन गया, ठीक है बेटा।
चलिए मस्ती से पढ़ाई करते हैं, बहुत मज़ा आता है। अब हम आपको बताएंगे इनका टाइम पीरियड, आप जान लिए तो हमारा एक काम फिनिश हो गया कि आपको अब टाइम पीरियड नहीं बताना पड़ेगा। अब हम पूछेंगे जब ना तो तुरंत आपको बताना होगा। अब ये मत सोचिएगा सर पढ़ा दिए तो कापी में बना के रख लेंगे इसके बाद सर पूछेंगे, नहीं पूछेंगे बेटा। अब देखिए मुग़ल कौन थे आखिर, यह मुग़ल कौन थे, अब यहाँ से असली चीज़ स्टार्ट होता है। आखिर मुग़ल थे कौन, मुग़ल थे कौन बताइए भैया, यह मुग़ल थे कौन, मुग़ल थे कौन, आखिर ये कौन थे, कहाँ से आए थे। तो आपको बता देना चाहते हैं दोस्तों बहुत मतभेद है इसके मामले में, बहुत ज़्यादा मतभेद है, लेकिन आप जानिएगा इस चीज़ को। यह एक मंगोल शासक था, मंगोल, मंगोल आप जानते हैं मंगोलिया, जो कि बिल्कुल पिज्जा की तरह रूस और चीन के बीच में मंगोल, मंगोल है ना, जहाँ पे वहाँ पे एक शासक हुआ करता था जिसका नाम है दोस्तों दौलत खान, दौलत खान नहीं, देखिए मंगोल में एक रहता था जो बोल बहुत ज़्यादा कट्टर स्वभाव का था दोस्तों, हमेशा मार काट, मतलब कि समझ लो मुंडी का माला बना लेता था सबका, मतलब वहाँ का देखिए नाम उसका नहीं याद आ रहा है हमको, हम देखिए नाम नहीं स्किप कर गया दिमाग से, अभी बता देंगे आपको याद आएगा तो आगे, बस इतना समझ लें जो मंगोल वंश आया था वह दो जाति से, दो कास्टों से मिल के आया था दोस्तों, मतलब जो मुग़ल वंश था वह दो कास्टों से मिल के बना था, पहला था मंगोल, मंगोल, और जो दूसरा था दोस्तों वह था आपका तुर्की, तुर्की, इनसे मिलकर बना था मंगोल, सॉरी मुग़ल, देखिए बार बार मुग़ल, मंगोल निकल जा रहा है इसको माफ़ करिएगा, मुग़ल, मंगोल और तुर्की से मिलकर बना था मुग़ल। मुग़ल का मतलब होता है दोस्तों, अर्थ होता है बहादुर, ताकतवर होता है। अब देखिए जो बाबर की माता थी दोस्तों वह मंगोल शासक थी, मंगोल शासक की लड़की रहती हैं, हाँ याद आ गया, देखिए चंगेज़ खान, चंगेज़ खान मंगोल का बहुत खतरनाक रहता है दोस्तों शासक, वो जब भी निकलता है ना अपने शिकार पे तो मतलब कि जितने भी महिला हैं, बच्चे हैं, बच्चियां हैं, जितने बूढ़े वगैरह सबको, किसी को नहीं छोड़ता था, किसी को मतलब कि कह लीजिए मतलब उसका हृदय पिघलता ही नहीं था दोस्तों, हाँ उस सबको काट पीट के एक तरफ करता था, अपने काम को अंजाम देकर चलाता था, उसका काम रहता था काटना पीटना, खाना पीना, मस्त रहना, यह करता था, और औरतों के साथ बदसलूकी करना, ठीक है, और आप लोग समझ सकते हैं उसके साथ मतलब बहुत सारी चीज़ें वो करता था, और उसके बाद वह बहुत तबाही मचाता था। कह लीजिए कि भारत में उसका आगमन नहीं हो पाया था उस समय, बहुत अच्छे अच्छे शासक थे, कह लीजिए मुग़लों के कारण ही नहीं आ पाए वो, है ना, क्योंकि उसे उसी वंश का बाबर भी तो रहता है ना, बाबर, बाबर दो जाति से, मतलब मुग़ल दो वंश से बना, मंगोल और तुर्की से मुग़ल बना, मुग़ल को, मुग़ल का अर्थ होता है बहादुर, अब इसको याद रखेंगे। अब देखिए अगर बाबर की माता और पिता की बात करें तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, अब आप बाबर के माता और पिता की बात करते हैं, माता, जो माता होती हैं इनकी और ये पिता, ध्यान से देखेंगे आप, जो माता होती हैं दोस्तों ना यह मुग़ल मतलब कि कह लीजिए कि मंगोल शासक की तरफ से होती हैं, मतलब कि चीन एवं मध्य एशिया में एक मंगोल शासक होते हैं, मंगोल जाति होती है, उस वंश से बिलोंग करती हैं इनकी माता जी, आप इसको याद रखेंगे। और मतलब कि कह लीजिए चंगेज खान के बिरादरी से, चंगेज खान के खानदान से, वंश से इनकी माता बिलोंग करती हैं दोस्तों, रिलेट करती हैं, रिलेटिव होती हैं। इनके पिताजी जो दोस्तों होते हैं यह जैसे कि ईरान, इराक, जो हम लोग का मध्य एशिया है ना, ईरान, इराक, तुर्की, कह लीजिए इन सब जगहों में एक पहले शासक हुआ करता था जिसका नाम था तैमूर वंश, क्यों कौन सा नाम था, तैमूर वंश, तैमूर वंश दोस्तों, इसी तैमूर वंश में मतलब तैमूर वंश से बिलोंग करते थे इसके पिताजी दोस्तों, दोस्तों यह बातें आपको पता होना चाहिए। अब देखिए हम यहाँ पे बात करते हैं, क्या बाबर मुग़ल कहलाना, मतलब कि बाबर किस जाति को मानता था, मतलब कि वह अपने आप को खुद यह नहीं समझता था कि हम किस माता के पक्ष से हैं कि पिता के पक्ष से हैं, यह खुद कंफ्यूज था, लेकिन लास्ट में उसे जब पता चलता है जो चंगेज था दोस्तों, चंगेज खान था जो मंगोल से बिलोंग करता था, मंगोल शासकों से, मंगोल वंश से बिलोंग करता था, वो बहुत ज़्यादा काटता पीटता था, मतलब कि वो कभी भी मतलब कि शांति स्वभाव का था नहीं, लेकिन जो इराक, ईरान, मतलब तुर्की के जो शासक थे जिसका नाम था तैमूर वंश, उसके जाति से मतलब उसके तैमूर वंश से उसके पिताजी भी बिलोंग करते थे, तो वह अपने आप को तैमूर का वंश मानता था। तो ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं आपसे कि बाबर अपने आप को किस वंश का वंशज मानता था, तो बताएंगे आप कि तैमूर वंश का वंशज मानता था दोस्तों। मुग़ल वंश अपने आप में दोस्तों कभी मतलब कि कह लीजिए वह मुग़ल, मंगोल कहलाना पसंद ही नहीं करते थे एक तरह से, ये समझ लीजिए। बाद में बाबर आता है, बाबर अपने आप को तैमूर वंश का मतलब कि कहता कि हम तैमूर वंश के हैं, मतलब अपने पिताजी के पक्ष से मानता है अपने आप को, और उसके जो क्योंकि तैमूर वंश दोस्तों इस वजह से मानता है वो, क्योंकि जो तैमूर वंश होता है दोस्तों ना वो काफ़ी ज़्यादा विजय हासिल किया था दिल्ली पर भी 1398 में, आप इसे याद रखेंगे इस डेट को, 1398 में जो तैमूर वंश होता है ना वो दिल्ली पर विजय अभियान भी किया था, विजय भी हासिल किया था। इस वजह से जो मंगोल, जो मुग़ल होते हैं दोस्तों वो अपने आप को तैमूर वंश का
कहलाना बहुत पसंद करते हैं मंगोल वंश के बजाय। आप इसको याद रखेंगे और यह बातें और यह डेट जो बता रहे हैं वो आप याद रखेंगे। अब यहाँ से स्टार्ट हो जाता है बाबर की कहानी। देखिएगा ध्यान से, यह मंगोल कौन थे आपको पता हो गया दोस्तों, ये बातें क्लियर है ना। चलिए अच्छे से पढ़ते चलिए और थोड़ा सा हमें भी सांस ले लेने दीजिए, कोई बात नहीं, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अब देखिए बाबर का पूरा नाम अगर पूछ लिया जाता है आपसे तो बताएंगे जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर। क्या नाम होता है? जहरुद्दीन, जहरुद्दीन मोहम्मद, मोहम्मद बाबर। यह बाबर का पूरा नाम होता है दोस्तों, जो उसके वंश से मिला था उसे। जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर के नाम से बाबर जाना जाता था, इसका बचपन का नाम था दोस्तों। इसका जन्म पूछा जाता है कब हुआ था तो बताएंगे 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे है ना, आपको पता होना चाहिए, उसी समय इसका जन्म हुआ था 14 फरवरी 1483। याद रखेंगे 14 फेब 1483 का इसका जन्म हुआ था दोस्तों। और फिर उसके बाद देखिए क्या होता है। अब आता है बात कि यह कहाँ से आया था दोस्तों, तो बता देंगे ट्रांस आसियान देशों से आया था। बस इतना अगर आपसे पूछ लिया जाए ना यह कहाँ का राजा था तो बता देंगे आप ट्रांस आसियान के फरगना से यह बिलोंग करता था दोस्तों। इसका जो जन्म हुआ था ना, ये ट्रांस आसियान है, उसके अंदर फरगना नाम का एक छोटा सा राज्य है दोस्तों, उसके अंदर से मतलब कि वहाँ से वह बिलोंग करता था। बोला जाता है कि बाबर भारत पर आक्रमण करने से पहले कहाँ का राजा बिलोंग करता, कहाँ का राजा था तो बताएंगे फरगना का। फरगना छोटा सा राज्य है, वहाँ का राजा हुआ करता था। वह उस समय 14 साल का था दोस्तों जब इसके पिताजी की देहांत हो जाती है। अभी सारी बातें हम करेंगे। अब देखिए बता देते हैं दोस्तों, उस फरगना का पूरा जागीरदार इसके पिता का नाम था, पिता के नाम हुआ करता था दोस्तों। अब आपको पता होना चाहिए इसके पिता का नाम क्या है दोस्तों, आपसे पूछ लिया जाता है इसके पिता का नाम क्या था तो बताएंगे उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा बहुत बड़ा जागीरदार हुआ करता था दोस्तों फरगना का, फरगना का जागीरदार हुआ करता था उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा का पुत्र था बाबर, याद रखेंगे। अब इसके माताजी दोस्तों कहाँ से बिलोंग करती थी? मंगोल से। इसके माताजी का नाम अगर पूछा जाता है तो बता देंगे कुतुलुगा। क्या बताएंगे? कुतुलुगा निगार खान, कुतुलुगा, कुतुलुगा निगार खान, याद रखेंगे इसको। कुतुलुगा निगार खान इसके माताजी का नाम था दोस्तों। इसके पत्नी का नाम क्या था दोस्तों? महामनगा, महामनगा। इसके पास बहुत सारी पत्नियां थी, 3-4 थी जो कि इम्पॉर्टेंट थी इसके लिए कह लीजिए, वैसे इसका एक तरह से कह लीजिए कि बहुत सारी पत्नियां थी, इतना समझ लीजिए। इसकी जो पत्नी थी दोस्तों एक जो बहुत ज़्यादा चर्चा में होती है, महामनगा, नाम याद रखेंगे महामनगा। अब हम यहाँ से आप स्टार्ट करते हैं दोस्तों, आपका इतनी बातें आपको क्लियर हो जानी चाहिए, बेसिक है। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, बाबर ने भारत पर आक्रमण क्यों किया, क्यों किया, आखिर क्या वजह थी दोस्तों, यह देख लीजिए। जब इसका 14 साल बोल दिए थे क्या, माफ़ी दीजिएगा वह 11 साल था दोस्तों। जब 11 साल का यह होता है ना तो इसके पिताजी की मृत्यु हो जाती है। कितने साल का, तो याद रखेंगे 11 साल का। अब यह नहीं कहिए कि 11 साल का जब यह होता है तभी इसके पिताजी की मृत्यु होती है, यह मत कहिए। यह कहिए जब इसके पिताजी की मृत्यु होती है तब यह 11 साल का होता है ना, यह बातें सही लगती हैं। अब यह तो बात उल्टा हो गई ना, कि मतलब कि उसके 11 साल होने का उसके पिताजी वेट कर रहे थे कि भैया तुम 11 साल के हो जो फिर उसके बाद हम मरेंगे, मतलब कि हमारी मृत्यु हो जाए, ऐसा तो कुछ था नहीं। मतलब जब इसके पिताजी का डेथ हुआ तब यह 11 साल का था, आप ऐसा बोलोगे दोस्तों। और इस समय जब इसके पिताजी की मृत्यु हो जाती है दोस्तों, यह बिल्कुल असहाय हो जाता है, बिल्कुल असहाय हो जाता है दोस्तों। और इसके जब फरगना पर दोस्तों बहुत सारे राजाओं का, महाराजाओं का निगाह बना होता है, जैसे कि उस समय के सकवी शासक थे, उज्बेक शासक थे, उज्बेक, 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 आप लिख लीजिए सकवी, सकवी, ईरानी, बहुत सारे शासक हुए थे दोस्तों। और कह लीजिए सकवी, उज्बेक, ईरानी, बहुत सारे शासक थे कह लीजिए उस समय जब ये 11 साल का था, तो वहाँ पर मतलब कि फरगना पर उसके मतलब बहुत ज़्यादा निगाह बना के रखे थे दोस्तों ये लोग कि हम इसको लूट लें। जब इनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है फिर यह क्या करते हैं, 11 साल के बच्चा जो बाबर होता है दोस्तों, बच्चा नहीं होता है कह लीजिए, बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है दोस्तों, अपने चाचा के यहाँ अफगानिस्तान काबुल में आ जाता है और अपने चाचा के साथ रहनुमा बन जाता है, उसी जगह रहने लगता है दोस्तों। 1504 में वह अफगानिस्तान के काबुल पर अपना अधिकार कर लेता है। सबसे बड़ी बात यह होती है जब वह काबुल में आता है, देखिए बाहर का है कितना होशियार है बच्चा दोस्तों, 1504 में आपसे पूछा जाएगा कब यह अफगानिस्तान के काबुल पर, अफगानिस्तान आपके जो भारत का बगल का है, जो 106 किलोमीटर बॉर्डर भारत से शेयर करता है, भारत के पीओके वाले पॉइंट से, ठीक है आपको पता होना चाहिए। 1504 में यह क्या करता है दोस्तों, कुछ मतलब कुछ क्या करता है कह लीजिए कि अफगानिस्तान के काबुल को पूरी तरीके से हासिल कर लेता है दोस्तों, जीत जाता है। जीतने के बाद दोस्तों, क्योंकि पता है आपको
या राजा का बेटा है तो एक राजा के बेटे में राजा का ही खून होता है। जब खून राजा का है तो पागलों वाली हरकत तो करेगा नहीं। वह क्या किया दोस्तों, बहुत ही ताकतवर तरीके से दोस्तों इसको जीत लेता है। जीतने के बाद मतलब अफगानिस्तान के काबुल को अब वहाँ पर वह अपना अधिकार कर लेता है अच्छी तरीके से। बस अब इसके लिए रास्ता बहुत सारी खुल जाती हैं। देखिएगा हमें भी बताएंगे आपको, ठीक है दोस्तों, बहुत सारी रास्ता खुल जाती है। और जब वो यह काबुल पे दोस्तों अपना कह लीजिए कि स्थापना कर मतलब काबुल को जब अधिकार में ले लेता है तो उस समय अपने आप को पादशाह की उपाधि दे देता है। पादशाह याद रखेंगे, पहला मुगल शासक जो काबुल को जीतने के बाद पादशाह की अपने आप को पादशाह का उपाधि दिया दोस्तों, याद रखेंगे मुगल में सबसे पहला शासक यही था जो अपने आप को पादशाह की उपाधि देता है। किस समय देता है, कब धारण करता है पादशाह की उपाधि, तो आपको पता होना चाहिए काबुल पे विजयी होने के बाद या क्या करते हैं दोस्तों, पादशाह की उपाधि दे देता है अपने आप को। और एक पादशाह का शाही उपाधि के नाम से जाना जाता है बाबर। ये बातें आपको क्लियर होगी तो आगे चलते हैं। अब देखिए बाबर का भारत में पहला आक्रमण कब हुआ या पूछ लिया जाता है तो आप बताएंगे 1519 में। 1519 में दोस्तों किसके खिलाफ होता है, देखिए बाजौर का किला होता है उसी समय। बाजौर एक बहुत बड़ा शासक के नाम से जाना जाता है, उस समय बहुत सारे तबाही वगैरह मचाया करता था, कलिजे मारा काटी सब कुछ करता था वो, तो बाजौर पर होता है। पूछ लिया जाता है भारत का सबसे पहला अभियान भारत में कब हुआ तो बताएंगे 1519 में होता है। कहाँ होता है बताएंगे दोस्तों, बाजौर पर होता है। बाजौर याद रखेंगे ये काम, ये बातें पूछी जाती हैं। कितने लोग 1526 लगा के चले जाते हैं, 1526 नहीं हमें 1519 याद रखना है। बाजौर जीत भी जाता है, बंदा जीत जाता है दोस्तों। और यह आक्रमण यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध होता है, जो बाजौर के किले पर अधिकार किया होता है उस समय। वह किला दोस्तों याद रखेंगे, यहाँ पे लिखे नहीं है, यूसुफ जाई लिख लीजिए, यूसुफ देखिए आधा इंग्लिश लिख रहे हैं आधा हिंदी, यूसुफ जाई के विरुद्ध होता है दोस्तों इसका पहला आक्रमण बाजौर पर भारत में। ये बातें आपको याद होनी चाहिए, ये बातें बहुतों बार पूछी गई हैं दोस्तों। और इस आक्रमण में भेरा के किले पर दोस्तों यह पूरा का पूरा यूसुफ जाई लोग क्या करिए थे, अधिकार जमा के बैठे थे। बाद में बाबर आता है, उड़ाता है इनको और अपना भेरा का किला अपने अधिकार में कर लेता है और जीत जाता है। ठीक है दोस्तों, बस यह बातें आपसे अगर यहाँ तक पूछा जाता है तो आप यहाँ तक क्लियर कर लीजिए। जीतने के बाद अब यह क्या है दोस्तों, बहुत ज़्यादा पारंगत हो चुका था पहली दूसरी मतलब कि काबुल पर अधिकार करना, फिर बाजौर किले को जीतना, अब इसका उत्साह बढ़ गया था। जब इसका उत्साह बढ़ गया था दोस्तों, तब यह और युद्ध शिक्षा सीखने की इसके अंदर अंदर की जागृत हुई, मतलब कि इसका अंदर से और आत्मा कही कि अब हम और युद्ध शिक्षाएं सीखते हैं। तो किस प्रकार का यह युद्ध शिक्षा सीखा दोस्तों, हम उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिएगा अलग अलग राजाओं से यह अलग अलग प्रकार के युद्ध शिक्षा को यह सीखता रहा। हम आपको बताते हैं कितने राजा इसके साथ आए। देखिएगा ध्यान से, जिस भी राजा के साथ यह लड़ा, जिस भी वंश के साथ यह लड़ा है ना, उससे कुछ ना कुछ यह सीखा। हम आपसे बार बार बोलते हैं दोस्तों, कुछ भी करिए, कोई भी काम करिए, चाहे गलत ही क्यों ना हो, वहाँ से भी थोड़ी सी अच्छाई निकालने की कोशिश किया करिए। देखिएगा बाबर से आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, आप उसको अपने लाइफ में इंक्लूड करिएगा और उसे घोल कर एक तरह से पी जाइएगा दोस्तों। सारी बातें निगेटिव एक तरफ, पॉजिटिव एक तरफ, निगेटिव में से भी पॉजिटिव सक करने की कोशिश किया करिए। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा ये बहुत सारी युद्ध शिक्षा लिया, किसके किसके साथ लिया दोस्तों, किस किस शासक से लिया, आप ध्यान से देखेंगे। पहला उज्बेक थे, ये उज्बेकों से पूछ लिया जाता है, उज्बेकों से ये किस प्रकार की शिक्षा लिया तो बता देंगे, ये उज्बेकों से दोस्तों ये लिया था तुगुलुमा युद्ध की पद्धति। कौन सी? तुगुलुमा युद्ध पद्धति सीखा दोस्तों। पूछ लिया जाता है तुगलमा युद्ध पद्धति बाबर ने किस शासक से सीखा तो बता देंगे उज्बेकों से सीखा। इसके बाद ईरानियों से बाबर ने क्या सीखा तो बता देंगे दोस्तों, ईरानियों से बाबर ने बंदूक चलाना सीखा। किस से तो बता देंगे भैया ईरानी से, बंदूक धाए। ठीक है दोस्तों, ये बातें पता होना चाहिए। तो बंदूक चलाना किससे सीखा तो बता देंगे ईरानियों से सीखा दोस्तों। इसके बाद आ जाते हैं तुर्की से दोस्तों बाबर ने क्या सीखा तो बता देंगे घुड़सवारी करना। तुर्की से इन्होंने क्या सीखा बाबर ने तो बता देंगे घुड़सवारी करना यह तुर्की से सीखे। ठीक है, बाबर ने सीखा दोस्तों। इसी तरह अनेकों जाति से, अनेकों राजा महाराजा से या कुछ ना कुछ शिक्षा लिया और अपने आप को सुडोल बनाया, एक तरह से ताकतवर बनाया दोस्तों। अब देखेंगे दोस्तों
बाहुबली, आप देखे होंगे बाहुबली मूवी, बाहुबली मूवी याद आ गया थोड़ा सा, बाहुबली मूवी आप देखे होंगे जो, तो उसमें जो मंगोल होते हैं, मंगोल और अफगान दोस्तों, उसमें उनका युद्ध की जो पद्धति होती है, व्यूह रचना करते हैं ना, व्यूह रचना, व्यूह बना देता था एक, उसके अंतर्गत मतलब दोनों, एक जो बाहुबली होता है उसका भाई होता है, दोनों लोग लड़ते हैं, एक तरफ से घुसते चले जाते हैं, मारते चले जाते हैं, यही होता है युद्ध व्यूह। तो अब युद्ध व्यूह किससे सीखा, युद्ध व्यूह की रचना या किस शासक से सीखा, यह बात अगर आपसे पूछी जाती है तो आप बताएंगे मंगोल से सीखा, मंगोल और अफगान, मंगोल और अफगान, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट था, मंगोल और अफगान से युद्ध व्यूह, युद्ध व्यूह याद रखेंगे दोस्तों, राइटिंग पे मत जाइए, आप लोग ध्यान से लिखते रहिए इस चीज को, युद्ध व्यूह की रचना मतलब युद्ध व्यूह की पद्धति किससे सीखा यह, तो बता देंगे दोस्तों बाबर ने मंगोल से और अफगानों से सीखा। अब दोस्तों यह क्या किया, बाबर जब भारत पर आक्रमण करता है, तो भारत अगर आपसे पूछ लिया जाए जब भारत पर जब बाबर जो है भारत पर आक्रमण करता है, तो उस समय हम आपको बता देते हैं दोस्तों, क्योंकि अब इसकी पूरी प्लानिंग हो चुकी है, अब इसको बुलावा आएगा भारत में, अब ये जाएगा वहां से मारपीट करेगा और फिर फायदा उठाएगा। ध्यान से देखिए, जब यह भारत पर आक्रमण करने का इरादा बनाता है दोस्तों, उस समय हमारा भारत काफ़ी ज़्यादा प्रांतों में टूटा हुआ था, छोटी 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 जागीरों में, मतलब कि जैसे कि मालवा हो गया, मालवा हो गया, बंगाल हो गया, आपका दिल्ली हो गया, गुजरात हो गया, सिंध हो गया, मेवाड़ हो गया, और कल ये कश्मीर हो गया, और उसके विजयनगर हो गया, हुगली हो गया, बहमनी शासक हो गए, ये सब अलग अलग शासकों में जगह जगह छुटपुट छुटपुट तरीके से अलग अलग शासक थे दोस्तों, बस इसके लिए यही आसान बात थी, यह घुसता है अब बताएंगे, इसका बुलावा भी आता है। अब देखिए, बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण आता है, क्या आता है, निमंत्रण, निमंत्रण आता है, जब इसका निमंत्रण आता है दोस्तों, जो निमंत्रण देता है ना, तो देखिए पहले ध्यान से, उस समय दिल्ली सल्तनत का शासन चलता रहता है, उसमें दिल्ली सल्तनत का लास्ट शासक आपका कौन रहता है, तो बता देंगे दोस्तों गुड़खातु सैलो, लोधी वंश रहता है, लोधी वंश का लास्ट शासक दोस्तों, लोधी वंश का लास्ट शासक का नाम क्या रहता है, तो बताएंगे इब्राहिम लोधी का शासक रहता है दोस्तों। उस समय इब्राहिम लोधी से इसके चाचा, खुद इब्राहिम लोधी के जो चाचा रहते हैं दोस्तों, क्या नाम रहता है उसका, आलम खां खुद परेशान होकर इनको मतलब बाबर को आमंत्रित करता है, निमंत्रण भेजता है कि आप आइए और इसको मारिए भैया, इससे लड़ाई करिए, इसको मार के भगाइए। तो बस यह एक शासक रहता है दोस्तों, बता देंगे इसके चाचा क्या नाम रहता है, आलम खां ने भारत को निमंत्रण दिया। इसके बाद पंजाब के सूबेदार दौलत खां भी निमंत्रण देता है दोस्तों अकबर को, बाबर को, कि आइए और लोधी वंश को यहाँ से भगाइए, मतलब जो आपका इब्राहिम लोधी है इसको भगाइए। यह बातें आप याद रखेंगे। इन दोनों को निमंत्रण देने के बावजूद भी बाबर नहीं तैयार होता है दोस्तों, इनकी बातें नहीं मानता है, क्योंकि इसके पास भी कम सेनाएं थोड़ी थी, यह काफ़ी ताकतवर था दोस्तों। यह अगर इसके साथ अगर कह लीजिए कि एक तरह से जिस थाली में खाना उसी थाली में छेद करने वाली बात ना होती ना, तो यह बंदा किसी के सामने झुकने वाला नहीं था, इतना ज़्यादा पावरफुल था दोस्तों, ठीक है ना, मुगल का तो ऐसे उड़ा देता अगर, क्योंकि घर का भेदी लंका ढाए, आप लोग पढ़े होंगे ना, जैसे कि आपको रामायण में पता चला होगा, जब आपके रामायण में रावण से जब आपके उनके विभीषण होते हैं भाई, जब अलग हो जाते हैं राम से, तभी जाके तो हारता है, आपको पता होगा रामायण देखे होंगे, तो बस उसी तरह घर का भेदी लंका ढाए, इसके चाचा और आपके पंजाब का सूबेदार दौलत खां, ये जब निमंत्रण देते हैं, भारत नहीं मानता है, तो उसके बाद फिर से किसका निमंत्रण आता है, राणा सांगा का निमंत्रण आता है। राणा सांगा के पास बहुत ज़्यादा ताकतवर थी, मतलब बहुत ज़्यादा ताकतवर थे वो, उनके पास बहुत ज़्यादा सेनाएं थी, इस वजह से वह उस बातों को, उनके बातों को विश्वास करता है बाबर, और अपना निमंत्रण स्वीकार करता है, फिर आता है चढ़ाई करता है वह, किस पर, लोधी वंश पर, मतलब कि इब्राहिम लोधी को हराता है, 1526 की लड़ाई। अब हम यहां से देखेंगे भैया, इसी समय मुगल वंश का स्थापना हो जाता है और लोधी हार जाता है, 1526, अब आपको मजा आने वाला है, 1526 पानीपत की लड़ाई, पानीपत हरियाणा में पड़ता है, कहाँ पे, हरियाणा का एक राज्य है दोस्तों, हरियाणा याद रखेंगे। इसमें किसके किसके साथ होता है, तो बता देंगे इब्राहिम लोधी वर्सेस बाबर याद रखेंगे दोस्तों, इब्राहिम लोधी की हार होती है, बाबर जीतता है, बस आप इतना ही पढ़ते हैं, है ना। चलिए हम थोड़ा सा देख लेते हैं वीडियो चल रहा है, क्वालिटी कैसी आ रही है, आप लोग थोड़ा सा धैर्य बनाइए। देखिए सही चल रहा है वीडियो, आप सबको अच्छा लग रहा होगा, हम ऐसा यही करते हैं दोस्तों, चलिए इसको अच्छे से लिख देते हैं। अच्छा, हम देखिए पानीपत की लड़ाई के लिए जब राणा सांगा की बात ये मान जाते हैं, पेन भी चेंज कर लें क्या,
काफ़ी ज़्यादा बोल दिया ना, चलिए कोई बात नहीं। अब राणा सांगा की बात जब ये मान जाते हैं, क्योंकि राणा सांगा बहुत ज़्यादा पावरफुल थे दोस्तों, उसमें भारत के सबसे ताकतवर, उत्तर भारत के सबसे ताकतवर राजा के रूप में राणा सांगा जाने जाते थे। उनके पास काफ़ी बड़ी सेना थी और उनके पास काफ़ी अस्त्र शस्त्र थे, विद्या थी, पैसे थे, मतलब बहुत कुछ रहने के बाद बाबर उन पर विश्वास करके अब वो क्या करता है, इब्राहिम लोदी को मारने के लिए खदेड़ देता है। मतलब कि 1526 पहली लड़ाई पानीपत की हरियाणा में है दोस्तों, इसको याद रखेंगे आप, हरियाणा। इसके बाद इसमें इब्राहिम लोदी की हार होती है, इब्राहिम लोदी की हार होती है और बाबर की जीत होती है दोस्तों, ठीक है ना, बाबर की जीत होती है, इस बात को आप याद रखेंगे। थोड़ा सा पेन बहुत स्लो चल रहा है मेरा, पता नहीं क्यों, कोई बात नहीं। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई, बाबर की जीत, इब्राहिम लोदी की हार होती है। यहाँ से थोड़ी सी चीज़ आपको बता देते हैं दोस्तों, 21 अप्रैल 1526 याद रखेंगे पूरा डेट आप, 21 अप्रैल 1526 पानीपत की लड़ाई, पूरा डेट आपसे पूछ लिया जाता है तो बता देंगे आप, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो लोदी वंश रहता है, लोदी वंश दिल्ली सल्तनत का लास्ट शासक होता है। दिल्ली सल्तनत में 5 शासक आते हैं, गुड़खातु सैलो गुलाम वंश, गुड़खा खिलजी वंश, तुगलक वंश, गुड़खातु सैलो सैयद वंश, फिर लोदी वंश। लोदी वंश में 3 ही शासक होते हैं, पहला बहलोल लोदी जो स्थापना करता है, फिर उसके बाद सिकंदर लोदी, फिर उसके बाद इब्राहिम लोदी जो कि महान शासक होता है लोदी वंश का दोस्तों। इसके बाद जब 1526 की मतलब कि 21 अप्रैल 1526 में इब्राहिम लोदी हार जाता है और बाबर जीत जाते हैं दोस्तों, इसके बाबर का जीतने का कारण क्या था, अच्छा बताइए। बाबर जब जीतता है दोस्तों, उस समय आगरा और दिल्ली पर अपना अधिकार कर लेता है। अब देखिए बाबर क्यों जीतता है, बाबर का जीतने का कारण क्या होता है तो बता देंगे आप। इसका युद्ध पद्धति, युद्ध का व्यू जो वह पिछले शासकों से सीख रखा था, जैसे कि तुगलकमा पद्धति, वह किससे सीखा था आपको पता होगा, वह किससे सीखा था आप बताएंगे। इसके बाद दोस्तों उसमें उसके तोपची थे, अगर आपसे पूछा जाता है बाबर जो है दोस्तों सबसे पहले बम का मतलब कि उपयोग कब किया, बम का यूज कब किया, या फिर यह पूछ ले कि मुगलों में सबसे पहले बम का यूज कब हुआ था तो बता देंगे। पहली लड़ाई कब हुई थी भारत पे, 1519 में किस पे हुआ था, उज्बेकों हुआ था ना दोस्तों, याद रखेंगे, किसके विरुद्ध हुआ था, किसके विरुद्ध हुआ था बताइए, 1519 में हुआ था ना, उस समय पहली लड़ाई के समय बाबर ने बम का उपयोग किया था, अभी तोपची का नहीं, तोप का नहीं, बम की बात कर रहे हैं दोस्तों। बम का सबसे पहले यूज जो है वो इसी युद्ध में किया था दोस्तों, याद रखेंगे, इस युद्ध में याद करेंगे 1519 वाले में, ठीक है, बाजौर का युद्ध के नाम से इसे जानते हैं, बाजौर का युद्ध, ठीक है ना। 21 अप्रैल 1526 पानीपत की पहली लड़ाई, इब्राहिम लोदी की हार, बाबर की जीत होती है। बाबर का जीतने का कारण क्या होता है, इसकी युद्ध पद्धति, तुगलकमा लिख लीजिए, तुगलुमा पद्धति यह सीखा होता है, इसकी वजह से यह जीतता है। और इसके पास और जीतने का कारण क्या होता है दोस्तों, इसके पास तोपची होते हैं, पूछ लिया जाता है तोप पहले सबसे पहले कब यूज किया तो बताएंगे 1526 में, या फिर कौन सा मुगल होता है जो सबसे पहले तोप यूज करता है तो बताएंगे बाबर वह पहला मुगल है जो तोप का यूज किया दोस्तों। इसके पास दो तोपची होते हैं, एक अली एक मुस्तफा, तो याद रखेंगे अली मुस्तफा इसी को पूरा नाम इसी बोलते हैं, अली कुली मुस्तफा। तो इसके पास दो तोपची होते हैं दोस्तों, इनके कारण भी यह थोड़ा सा इसका धड़ खुल जाता है और यह जीत की कगार पे बढ़ने लगता है। इसके बाद तीसरा क्या कारण था दोस्तों, यह एक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कारण था कि इब्राहिम लोदी एक कह लीजिए कि अच्छा शासक नहीं था। अच्छा शासक के मतलब कि उसकी जो सेनाएं थी एक तरह से प्रशिक्षित नहीं थी, वह एक तरह से भीड़ थी, लेकिन जो मुगल के सेनाएं थे दोस्तों वह एक तरह से प्रशिक्षित थे। इनको कैसे क्या करना है ये सारी पद्धतियां वह सिखा के रखा था उनको, यह भी एक कारण बन जाता है। चौथा कारण क्या था दोस्तों, इसका कुशल नेतृत्व करना, अपने सेनाओं के प्रति यह कैसा व्यवहार करता था दोस्तों, अच्छा व्यवहार करने के कारण, भले सबके साथ चाहे जैसा व्यवहार करे लेकिन अपने सेनाओं के साथ, अपने लोगों के साथ यह अच्छा व्यवहार करता था बाबर, इस वजह से भी इसको जीत मिली दोस्तों, याद रखेंगे, है ना। चलिए देखिए, इस समय बोला जाता है जो पानीपत का पहली लड़ाई हुआ, इस समय आपका अगर देखा जाए सिख वंश में जो 10 गुरु हुए थे, उसमें 10 गुरु में किसका, कौन से गुरु थे, कौन से गुरु के समय यह लड़ाई हुई थी तो बता देंगे दोस्तों, गुरु नानक के समय, पहली गुरु नानक, फिर उसके बाद गुरु अंगद गुरु रामदास गुरु अमरदास, फिर गुरु अर्जुन देव, फिर गुरु हर गोविंद, फिर गुरु हर किशन, फिर गुरु हर राय फिर गुरु हर किशन, फिर उसके बाद गुरु तेग बहादुर, फिर उसके बाद गुरु गोविंद सिंह,
ये 10 गुरु थे, तो आप याद रखेंगे इनको, हमको याद है, इस तरह भी आपको याद भी याद हो जाएगा, आप लोग सुनते सुन लीजिएगा इसको वीडियो को पॉज करके। अब देखिए दोस्तों, और इस युद्ध में बाबर ने बहुत ही कह लीजिए कि एक तरह से हीरा जवाहरात बहुत ज़्यादा लूटा, और अपने सेनाओं में अपने काबुल के निवासियों को वह एक एक हीरे की चांदी की सिक्का दिया। तो पूछ लिया जाता है आपसे कि चांदी का सिक्का बाबर किस युद्ध के बाद अपने अफगान के निवासी, मतलब कि अफगानी निवासी काबुल के निवासियों को दिया, तो आप बता देंगे वह पहली लड़ाई 1526 वाली, इसी समय मुगल का स्थापना हो जाता है भारत में, और इसी समय इसको जीतने के बाद जो है कि मुगल, मतलब मुगल का पहला शासक बाबर जो है अपने काबुल के निवासियों को एक एक चांदी का सिक्का बंटवा देता है ना। ये बातें क्लियर हैं, तो आगे चलते हैं। अब इब्राहिम लोदी का हारने का क्या कारण था दोस्तों, इसका उल्टा कर दीजिए ना, कुशल नेतृत्व न होना, कुशल नेतृत्व का अभाव होना अपने सेनाओं में, कोई अनुशासन न होना उनके सेनाओं में, जिधर मन करे उधर भागते थे, सब इधर भागते थे उधर भागते थे, कि अपने ही में सब मार करते थे, मतलब इस तरह का कोई व्यवहार करना, मतलब कि कुशल नेतृत्व न होना और उनके सेनाओं का प्रशिक्षित न होना। इसके बाद देखा जाए दोस्तों, कह लीजिए कि उनके पड़ोसी राजा जो थे, जैसा कि आपको पता है दोस्तों, अपने चाचा के साथ ही वह क्या किया था, विवाद किया था, अपने पंजाब के शासक, पंजाब के सूबेदार के साथ उसकी लड़ाइयाँ चलती थी, कह लीजिए राणा सांगा जो इतने बड़े शासक थे उनके साथ वह विवाद बना के रखा था, मतलब तब उसका यह सब भी हारने का कारण था, अपने आसपास के पड़ोस के राजाओं के राजाओं से विवाद के कारण भी वह हारा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, पानीपत का युद्ध जीतने के बाद इब्राहिम लोदी को मारने के बाद बाबर जो है कलंधर की उपाधि धारण करता है। कलंधर याद रखेंगे, कलंधर की उपाधि कब धारण करता है बाबर, तो बताएंगे पानीपत की विजय होने के बाद, कौन सी, कलंधर है कि कलंजर है आप देख लेंगे, कलंधर है, कलंधर की उपाधि वह धारण करता है। कब धारण करता है, तो 1526 इब्राहिम लोदी को मारने के बाद दोस्तों। यह बातें याद हैं, तो आगे चलते हैं। या देखिए हुमायूं जिसे हम लोग विक्रमादित्य के राजा के नाम से जानते थे, हुमायूं था कि हेमू था, वह हुमायूं इसका बेटा जो रहता है दोस्तों, यह हुमायूं जो है दोस्तों इस विजय के बाद इब्राहिम लोदी, मतलब इब्राहिम लोदी के मारने के बाद जब ये आते हैं, तो इनका बेटा बाबर का बेटा ही हुमायूं जो होता है इनको कोहिनूर का हीरा देता है। तो याद रखेंगे कोहिनूर का हीरा विक्रमादित्य से हुमायूं को मिला था, हुमायूं को मराठों, मतलब विक्रमादित्य को मराठों वगैरह से मिला था, तो वह सब बातें हम करेंगे बाद में। हुमायूं अपने पिताजी को देते हैं, कब देते हैं कोहिनूर का हीरा, तो बता देंगे पानीपत की लड़ाई के बाद। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हैं। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे और सारी बातें ध्यान से आप लोग देखते चलिए, बस लास्ट चरण चल रहा है, इसके बाद लड़ाइयाँ क्रम से आएंगी, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं बताना है हमको। अब देखिए, अब यहाँ बाबर को आमंत्रित कौन किया था, राणा सांगा किए थे। अब जो दूसरा अभियान होगा ना बाबर का, वह किसके खिलाफ होगा, राणा सांगा के ही खिलाफ होगा दोस्तों। 1526 1527 1528 1529, ये चारों लड़ाइयाँ क्रम से हैं, यह पानीपत का, यह खानवा का, यह आपका हो गया पानी पिया खाना खाया चंदेरी का, इसके बाद यह हो गया आपका लास्ट वाला घाघरा की लड़ाई दोस्तों। पानी पिया खाना खाया चंदेरी गया घाघरा खरीदा, इस तरह आप याद कर सकते हैं। जो यह लड़ाई होता है इब्राहिम लोदी के खिलाफ होती है। अब राणा सांगा इसका साथ नहीं देते, भैया तुम ही बुलाए थे हमें कि आओ इब्राहिम लोदी को मारो, और तुम ही हमारा साथ नहीं दे रहे हो, जब तू हमारे साथ नहीं लड़े अब तुम्हारे खिलाफ होगा, अब तुमको हम मारेंगे। बस बाबर का दिमाग सनक गया, वो क्या किया 1527 में भैया हल्ला बोल दिया राणा सांगा के खिलाफ, और राणा सांगा को उलाट दिया भैया। राणा सांगा से भी वो जीत जाता है, किस युद्ध में जीतता है दोस्तों याद रखिएगा, चंदेरी पानीपिया खानवा दोस्तों, खानवा है ना, खानवा की लड़ाई में वो राणा सांगा को हरा देता है। ये बातें आपको क्लियर होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि जो दोस्तों राणा सांगा रहते हैं वो काफ़ी सेना लेकर भी आते हैं, तब भी नहीं जीत पाते, जैसे कि अगर बोला जाए खुद की सेना उनकी होती है। इसके बाद मोहम्मद लोदी जो चाचा रहता है इब्राहिम लोदी का, मोहम्मद लोदी उसका भी सेना होता है इसके साथ। इसके बाद हसन खान मेवाती का एक राजा रहता है दोस्तों, छोटा सा सूबेदार होता है, उसकी भी सेनाएं होती हैं। उसके बाद जो पंजाब का सूबेदार होता है उसकी भी सेनाएं होती हैं। इसके बाद दोस्तों एक इनके दोस्त होते हैं राणा सांगा के, जो तीसरी लड़ाई करेगा बाबर के साथ आपका खानवा के बाद चंदेरी की लड़ाई करेगा। पानी पिया खाना खाया चंदेरी गया, थोड़ा सा ट्रिक से याद होता है तो याद हो जाता है ना, एक मिनट। तो चंदेरी की लड़ाई में हम देखेंगे वो कौन थे, उनके फ्रेंड कौन थे राणा सांगा के। तो राणा सांगा के जो फ्रेंड थे दोस्तों उनका नाम क्या था, तो बता देंगे उनका नाम था दोस्तों माधनी राय भी इसमें कूद पड़े थे अपनी सेना लेके, और अपने दोस्त का सहायता कर रहे थे, इनका दोस्त तो हार जाता है भैया। बस इनकी दोस्त के हारने के बाद अब ये तो हार गए भैया, राणा सांगा का काम खत्म यहाँ पे, जो राजपाट था अपना दे दिए इनको बाबर को, बाबर इसको भी जीत लेता है। अब इसके बाद आ जाता है चंदेरी की लड़ाई में। अब बोलता है भैया हम तो लड़ाई छेड़े थे राणा सांगा के खिलाफ, भैया तुम कहाँ खुद पड़े इसमें,
तुम काहे कूद पड़े भैया इसमें, मादनी जी काहे कूद पड़े, तो मादनी राय के खिलाफ भी भैया तुम आओ भी मुझसे लड़ो। तो मादनी राय याद रखेंगे, मादिनी, मादनी राय जो कि राणा सांगा के प्रिय मित्र थे दोस्तों, या राजपूत से, राजपूत का और मुगलों का काफ़ी ज़्यादा दुश्मनी था, राजपूत हो गए और जाट हो गए दोस्तों, इन सब का काफ़ी ज़्यादा दुश्मनी था, जाट हो गए, इसके बाद मराठा हो गए, मतलब कि बहुत ज़्यादा दुश्मनी रहता है मुगलों का, मुगलों से उनसे, ठीक है दोस्तों, मुगल का पसंद नहीं करते थे बिल्कुल भी, हम पहले वीडियो में आपसे चर्चा किए हुए हैं जब आपका सिलेबस डिस्कस कर रहे थे। तो मादनी राय के खिलाफ होता है, अब मादनी राय के भी हालत ख़राब हो जाता है, अब मादनी राय को भागने की जगह ही नहीं मिलती है। देखिएगा थोड़ा सा, एक मिनट हम वीडियो देख लेते हैं, सही चल रहा है कि नहीं। वीडियो थोड़ा सा देखने के बाद दोस्तों, जो कैमरा देख रहे हैं इस वजह से कि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना। चलिए हम चंदेरी लड़ाई पे थे, चंदेरी की लड़ाई पे। अब चंदेरी की लड़ाई से पहले इस पे देख लेते हैं थोड़ा सा, बाबर जो है जिहाद का नारा देता है, जिहाद पूछ लिया जाता है, बाबर जो होता है दोस्तों वो जिहाद का नारा कब देता है, किसके खिलाफ देता है, किस लड़ाई में देता है। तो आप याद रखेंगे राणा सांगा के खिलाफ लड़ाई लड़ते समय यह जो है बाबर जिहाद का नारा देता है, और जिहाद का मतलब होता है कि मुसलमानों को छोड़कर सबको काट डालिए, सबको काट डालिए, जो भी बचते हैं बच्चे बूढ़े जिस भी जात के सबको काट दीजिए, लेकिन केवल इस्लाम जो स्वीकार किए हैं, मुसलमान नहीं कहिए, पर्टिकुलर मुसलमान नहीं कह लीजिए, कि जो इस्लाम को मानने वाले हैं उनको छोड़कर सबको मारना काटना, यह होता है कह लीजिए कि एक तरह से वह किसका नारा दिया था दोस्तों, याद रखेंगे कि जिहाद का नारा दिया हुआ था, याद रखेंगे इस समय दिया था 1527 की लड़ाई में राणा सांगा के साथ खानवा के युद्ध में। इसके बाद आ जाता है चंदेरी की लड़ाई, मादनी राय जी के साथ लड़ता है और मादनी राय हार जाते हैं और बाबर की जीत होती है दोस्तों। बाबर बोला भैया हम तो गए थे राणा सांगा के साथ लड़ने के लिए, तुम कहाँ खुद पड़े बीचे में, तुम भी आओ कुटाओ, इसको भी कूटा दोस्तों और इसको हरा के भेज दिया दोस्तों। आपको याद होना चाहिए बाबर के पास कितने, इसकी जो मादनी राय है, मादनी राय के पास दो बेटियाँ होती हैं, दो बेटियाँ और बाबर के पास जो है चार बेटे होते हैं, चार बेटे। पहले बेटे का क्या नाम रहता है दोस्तों बता देंगे, हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल। हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल। क्या नाम रहता है? हिंदाल। ये इनके चार बेटे होते हैं बाबर के। अब इसके पास दो बेटियां होती हैं, जब लड़ाई या हार जाता है मादनी राय तो इनकी दो बेटियों को बाबर उठा लेता है और उपभोग करने के लिए हुमायूं को एक को दे देता है, एक कामराज को देता है, उसको उपभोग करते हैं दोनों लोग और उसको अपने कक्ष में रख लेते हैं। इसी तरह वहाँ की जितनी भी संपत्ति होती है सब लूट लेता है बाबर और इन सब में बांट देता है। दोस्तों आपको पता होगा हुमायूं की तबीयत खराब होने की वजह से वो बहुतों बार पूजा पाठ किया बाबर कि हमारे बेटे को बचा लीजिए और हमें भले ही मरना पड़े। तो बाद में यही होता है, शायद लोग यही कहते हैं कि हुमायूं बच जाता है और 1530 में उसकी अचानक से मृत्यु हो जाती है, अभी बताएंगे। इसके पहले जब यह जीत जाता लड़ाई, फिर चौथा लड़ाई बचता है दोस्तों, चौथी लड़ाई का नाम होता है घाघरा की लड़ाई, 1529 में होता है घाघरा का युद्ध दोस्तों, याद रखेंगे घाघरा का युद्ध 1529 में होता है, 1529 में पूरा डेट याद कर लीजिए, 5 अप्रैल पूछा गया है एक बार इसे तो हम बता देते हैं, 5 अप्रैल 1529 को घाघरा का लड़ाई होता है। घाघरा में दोस्तों बिहार के और बंगाल के संयुक्त जो सूबेदार थे उनके साथ बाबर अकेले लड़ता है और यहाँ तक बाबर जीत जाता है और बाबर के कह लीजिए कि नॉर्थ से लेकर साउथ तक, नॉर्थ में कहिए तो जो हिमालय था, हिमालय से लेकर दोस्तों साउथ में अगर देखा जाए तो जो ग्वालियर और अगर कहा जाए ईस्ट से लेकर वेस्ट तक, मतलब ईस्ट वेस्ट जो था वह सिंध प्रांत हुआ करता था जो इस समय पाकिस्तान में पड़ता है, वेस्ट से लेकर ईस्ट तक, ईस्ट में दोस्तों बंगाल तक पूरा इसका अधिकार हो जाता है। आपसे पूछा जाता है किस समय भारत का, मतलब बाबर का भारत पर हिमालय से लेकर ग्वालियर तक, सिंध से लेकर बंगाल तक पूरे भारत पर अधिकार हो जाता है बाबर का किस समय, तो बताएंगे जब घाघरा का युद्ध लड़ता है, बंगाल के और बिहार के सूबेदार के कह लीजिए संयुक्त सेना को जब हरा देता है उसके बाद पूरे भारत पर इसका एक तरह से अधिकार हो जाता है दोस्तों। इतनी बातें याद रखेंगे। अब बाबर की मृत्यु हो जाती है, कब होती है तो याद रखें, एक चीज़ और याद रखेंगे, यही एक ऐसा युद्ध होता है जो कि थल और जल दोनों पर लड़ा गया होता है। बाबर लगातार चार लड़ाइयाँ लड़ता है, एक ऐसा युद्ध कौन सा है बताइए जो थल और जल दोनों पे लड़ा गया, तो बता देंगे घाघरा की लड़ाई दोस्तों, ठीक है ना, याद रखेंगे। और 26 सितंबर 1530 में भारत निकल, मतलब कि बाबर निकल लेता है, बार बार भारत निकल जा रहा है मुझसे माफी दीजिएगा, मतलब कि 1530 याद रखेंगे डेट,
पूरा का पूरा याद रखना है तो 26 सितंबर 26 सितंबर 1530 को बाबर जो है निकल लेता है दोस्तों, और हुमायूं को राजपाट मिल जाता है। आपको पता है, हमने बताया है 1530 से 1556 तक हुमायूं का कार्यकाल स्टार्ट हो जाता है। अब अगर देखा जाए दोस्तों, इसका मकबरा कहाँ पर है बाबर का, तो बता देंगे दोस्तों काबुल में है। पहले इसका मकबरा आगरा में था, इसको फिर बाद में काबुल शिफ्ट किया गया। ऐसे 3 शासक हैं जिसका मकबरा भारत से बाहर है, हमने स्टार्टिंग में बोला था आपको बताएंगे, तो आप सुन लीजिए। बाबर का काबुल में है, बहादुर शाह जो बहादुर शाह जफर के नाम से 1857 की क्रांति के समय उसे पिया गए मेरे रंगून भेज दिया गया था। रंगून, तो रंगून बंगाल में पड़ जाता है, बंगाल म्यांमार में पड़ जाता है ना रंगून। अब एक बार आप देखेंगे शायद बंगाल या फिर बंगाल में ही है, बांग्लादेश में ही है रंगून, तो वहाँ पर पड़ जाता है दोस्तों। मतलब कि एक तरह से उसका टोम बहादुर शाह का कहाँ पर है तो बता देंगे रंगून में, बाबर का काबुल में जो कि पाकिस्तान क्षेत्र में पड़ता है, जहांगीर का कहाँ पर है लाहौर में, वो भी पाकिस्तान में पड़ता है। इतनी बातें आपको क्लियर है तो बस, बाबर के बारे में और कुछ नहीं जानना है आपको। इतनी चीज़ें अगर जान गए ना तो बड़े से बड़े एग्जाम आप क्लियर कर सकते हो दोस्तों। DLED क्या है, कुछ नहीं, कुछ भी, कोई भी, कहीं भी पढ़िए आप। अगर यहाँ से हिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना तो बहुत मज़ा आ जाने वाला। वैसे कुछ ही टॉपिक है हिस्ट्री में, हम आज तो थोड़ा सा लंबा बताने की कोशिश की, पहला क्लास था ना, नहीं तो फिर अब छोटे छोटे पार्ट में लेके चलेंगे हुमायूं। और दूसरे में आप लोग बताइएगा, अगर आप लोग को इसी तरह हुमायूं के बारे में जानना है केवल, तो एक एक वीडियो लगा देंगे। अगर इस तरह पढ़ने में मज़ा आता है तो इसी तरह पढ़ेंगे, नहीं तो बताइएगा आप और किस तरह पढ़ें। ठीक है दोस्तों, बताइएगा आपको अच्छा लगा इस तरह पढ़ने में, सबका कमेंट आना चाहिए, तभी हम अगला क्लास स्टार्ट करेंगे दोस्तों। ठीक है ना, धन्यवाद दोस्तों। आप लोग अपनी तैयारी करिए और इसे जमकर शेयर करिए एक बार। आज देख लेते हैं कितने बच्चों में हमारी ताकत है। शेयर करिए, स्टेटस लगाइए, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाइए, फेसबुक पे शेयर करिए दोस्तों, हर फ्रेंड को शेयर करिए। धमाकेदार तरीके से आपका क्लास स्टार्ट हो गया है जो, ठीक है ना। चलिए धन्यवाद।